अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सारा बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी और आज घर के काम वगैरह करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने मशीन नहीं लगाई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े सारे धो लेती हूँ। तो मैंने लगाई है मशीन, तो साथ साथ घर के थोड़े बहुत काम भी हो जाएंगे, तो वीडियोज़ भी बनेंगी मेरी साथ साथ। तो मैंने घर के सारे काम कर लिए, सिर्फ मशीन लगाई है और कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कल जुमेरा आ, फिर फ्राइडे आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही सारे कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने लगाई है बाहर मशीन, तो और टाइम भी काफ़ी हो चुका है तकरीबन। मैं आपको टाइम बता देती हूँ टाइम क्या हुआ है। तो टाइम 2 बज चुके हैं और तो मैं जल्दी से अपने लिए खाना भी बना लेती हूँ। मशीन तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो अपने लिए जल्दी से मैं पराठा। जी फ्रेंड्स, रोटी बनाने से पहले ना मैं जो मशीन में कपड़े डाले हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो हो चुके हैं। तो मैं वो निकाल के फिर दूसरे डाल दूँगी, तब तक मेरा फिर खाना भी मैं बना लूँगी। स्पून से पहले मैं मशीन से कपड़े निकाल, तो 2 गेरे आ चुके हैं तकरीबन 15 मिनट के, आधा घंटा तकरीबन 2 गेरे आ गए। तो मैं निकाल लेती हूँ कपड़े। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज मशीन लगाई है। मैं ये फ्रेंड्स मैंने कपड़े सारे निकाल दिए। अब ये जो पानी है इसको मैं निकाल के दोबारा डाल दूंगी, क्योंकि ये पानी थोड़ा सा गंदा हो गया, इस वजह से पानी निकाल लेती हूँ। अब मैं पानी निकाल रही हूँ, जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा फिर इसको एक बार वॉश करेंगे हम मशीन को, फिर दोबारा हम पानी ऐड करेंगे। ये फ्रेंड्स पानी सारा निकल चुका है, अब हम ना इसको एक बार वॉश कर लेते हैं। मैंने वॉश कर लिया, अब दोबारा हम पानी ऐड कर देते हैं इसमें। ये फ्रेंड्स पानी मैंने ऐड कर दिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे सर्फ, सर्फ के 2 पैकेट मैं ऐड कर दूँ सर्फ के साथ। ये मैंने दोनों ऐड, ये फ्रेंड्स मैंने सर्फ ऐड कर दिया। मैं मशीन चला लेती हूँ, फिर इसमें कपड़े डाल दूँ। जी फ्रेंड्स मैंने मशीन चला दी, अब इसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ। जी फ्रेंड्स मैंने आधे कपड़े डाल दिए, थोड़ी सी बाकी रह गए हैं, 2-3 सूट पड़े हैं, वो बाद में मैं ऐड करूँगी। अभी इतने से हम इसके ऊपर मैं ढक्कन दूँ। तो मैंने 15 मिनट पहले कर दिया है, अब 15 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाएगा, फिर हम इसको चला लेंगे। तब तक मैं अपने लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भूख भी जोरों की लग रही है। जैसे आटा और छाले निकाल लेते हैं, गोभी वाले पराठे बनाएंगे। कल हमने जो गोभी बनाई थी उसके पराठे, जी फ्रेंड्स मैं जल्दी से ना पेड़े बना लेती हूँ। मैं सिर्फ एक ही अपने लिए परांठा बनाऊंगी और छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लेंगे।
जी फ्रेंड्स, मैंने दोनों पेड़े बनवा लिए। अब मैं ये आटा फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं जल्दी से रोटी बेल देती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोटी बेली। अब मैं इसके ऊपर सालन डाल लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, चेक करें कितना मैंने बढ़ बढ़ के सालन ऐड किया इसमें। जितना ज़्यादा सालन होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी परांठा बनेगा। जी फ्रेंड्स, इसके ऊपर दूसरी रोटी भी मैंने लगा दी। अब इसको ना थोड़ा सा कि सालन बाहर ना निकले हमारा। अब मैं रोटी को बेल लेती हूँ। जी फ्रेंड, जल्दी से मैं रोटी बेल लेती हूँ और फिर मैं चला लेती हूँ चूल्हा में चलाए। तो रोटी को मैं जल्दी से बेल लेती हूँ। चूल्हा मैंने चला लिया है। यहाँ पे मेरी रोटी होगी बिल्कुल रेडी। अब हम ना तवे पे डाल देते हैं। पहले हम चेक करते हैं तवा गर्म होगा। तवा हमारा गर्म हो गया, मैं रोटी ऊपर डाल देती हूँ। ये घी वाला डब्बा भी हम खोल लेते हैं। जब तक हम खाना भी खा लेंगे और हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्या मतलब कि मशीन से मैं निकाल लूँगी। तो अभी एक गेड़ा आया है, जब दूसरा आएगा फिर 15 मिनट फिर लग जाएंगे। साथ साथ मेरा खाना भी हो जाएगा और कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे। हमें रोटी को लगा देती हूँ घी। मैंने घी लगा दिया। अब अच्छे से ना इसको क्रिस्पी क्रिस्पी हम बना लेंगे। परांठा जितना भी क्रिस्पी होना उतना ही मज़ा आता है। तो अब मैं दोनों सैरों पे घी अच्छे से ही लगाऊंगी, क्योंकि मैंने एक सैर में ज़्यादा घी लगाया था, इस वजह से दूसरे सैर पे ही लग गया। तो हमारा परांठा हो गया बिल्कुल रेडी। अब मैं उतार देती हूँ। देखिए कितना लाजवाब बना हुआ। अब हम क्या करते हैं, आपको इसके ऊपर हम सालन डाल देते हैं रोटी पे। फ्रेंड्स, चेक करें, यहाँ पे मैंने सालन भी ले लिया और बहुत ही मज़े का परांठा बना हुआ। तो अब हम चलते हैं कमरे में, सुकून से बैठ कर खाते हैं। पहले एक बार मशीन को घुमा लेती हूँ कि 15 मिनट फिर चलती रहे स्पून से, क्योंकि बंद होने वाली है। पहले यहाँ पे हम रख लेते हैं परांठा, मशीन को चला लेते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अब खाने लगे परांठा और बिल्कुल ठंडा सालन है और गरम गरम रोटी के साथ अपना ही मज़ा है। यहाँ पे देखिए हल्का सा घी भी जमा हुआ है। चेक करें कितना, बहुत ही गर्म है और लाजवाब। जी फ्रेंड्स, चेक करें कितनी गरम परांठा है, कितना गरम परांठा है और काफ़ी हैवी परांठा बना है। तो मैंने ज़्यादा ही सालन ऐड किया था। धुआं चेक करें। मैं जल्दी से परांठा खा लेती हूँ। जब मैंने सालन पीसा था ना उसमें, तब मैंने फिर एक्स्ट्रा मिर्चें ऐड की थी, लाल मिर्चें और गरम मसाला। तो नमक मैंने दोबारा ऐड किया था, क्योंकि जब रोटी बनाते हैं ना उसमें फिर थोड़ी सी कम हो जाती है मिर्चें, तो कुछ ज़्यादा ही मिर्चें हो गई, क्योंकि वो मिर्चें कच्ची होती है ना लाल मिर्च, तो इसलिए ज़्यादा ही स्पाइसी हो गया। तो वैसे भी काफ़ी मज़े का है।
मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमारा हो गया और मशीन भी बंद हो गई है। वो कपड़े मैं निकाल दूँगी मशीन से, फिर दोबारा ऐड कर दूँगी जो पहले कपड़े, ये दोनों फिर मैं निकाल लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरे काम सारे बिल्कुल ख़त्म हो गए और मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए, ये चेक करें, सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिया और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तकरीबन टाइम मगरब के जाने हो चुके हैं। तो आप अपनी वीडियोज़ का मैं यही एंड करती आई हूँ। आप लोगों को मेरी आज की रूटीन अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।